कैलकुलेटिंग पीएच ऑफ ए बफ़र अगर हम बफर बनाएंगे तो उसका पीएच कितना होगा या हम कैसे प्रीडियट करेंगे कि जो बफर हम बना रहे हैं तो इसका पीएच अब कितना बन जाएगा या इस इक्वेशन को जिससे हम ये पीएच कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज़ आल्सो नोन एज हैंडरसन हेसल बाल इक्वेशन या हैसल बालच इक्वेशन जो भी आप इसको प्रोनाउ कर सकते हो अच्छा इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को डराइव करते हैं और डिराइवेशन के बाद फिर इसमें फर्दर जो चीज़ें हमें याद होनी चाहिए तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक वीक एसड एच ए ये जो है डिजॉल्व हो गया है पानी में लेट मी चेंज द स्टाइल ऑफ माई एक एसिड हो गया है इन टू वाटर. और अब ये आयोनाइज हो जाएगा हमें दे जाएगा एच थ्री ओ हाइड्रोनियम इंडिया और एक्स फॉर्म में और साथ में दे दिया है अपना कॉन्जुगेट बेस दैट इज एन नेगेटिव दैट इज दुगेट बेस अच्छा अब डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एन एसिड के ए इज इक्वल टू इस जो हम लिख सकते हैं तो वो है मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन ये हमने लिखा एच थ्री ओ पॉजिटिव इन टू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव डिवाइडेड बाय मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द एसिड ये एसिड के लिए लिखते हैं वाटर इसमें अब लिखेंगे तो फिर के सी हो जाएगा वाटर का कंसनट्रेशन कॉन्स्टेंट वो के सी से फिर मल्टीप्लाई होकर हमें के ए दे जाएगा अब इसके बाद ये जो इक्वेशन है इसको इस तरह अरेंज कर दें कि इक्वल साइन के एक तरफ पे सिर्फ हाइड्रोनियम आयन ही रह जाए बाकी जो है टेक्निकली इधर आ जाएंगे तो एच ए को अगर यहाँ से हमने हटाना है तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे एच ए मल्टीप्लाई हुआ इधर भी एच ए कंसनट्रेशन मल्टीप्लाइड और ए नेगेटिव इधर ने ले जा हटाना है तो ये ए नेगेटिव इधर भी डिवाइड हो जाएगा और ए नेगेटिव इधर भी डिवाइड हो जाएगा तो हमें ये मिलेगा कि एच एच ए के साथ कैंसल हुआ ए नेगेटिव ए नेगेटिव के साथ कैंसिल हुआ तो हमें जो नया इक्वेशन मिलेगा वो ये हो जाएगा कि एच थ्री ओ हाइड्रोनियम आइन इज़ इक्ल टू के ए तो दिस इज के ए मल्टीप्लाइड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एच ए डिवाइड बाई मोलर कंसनट्रेशन ऑफ इनजुगेट बेस ओके यहाँ तक ये क्वेश्चन आया अब हम क्या करेंगे टेक नेगेटिव लॉग ऑफ बोथ साइड्स नगेटिव लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा निगेटिव लॉग मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आइन इजिकल टू नेगेटिव लॉग यहाँ पे हो जाएगा के ए इन टू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ एच ए डिवाइडेड बाई ए नेगेटिव अच्छा फर्दर अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना होगा कि ये तो सिंपल है नेगेटिव लॉग एच थ्री ओ सो नेगेटिव लॉग एच थ्री ओ इज इक्वल टू पीएच। तो ये हो जाएगा पीएच। इज इक्वल टू यहाँ पे अब हमने एक लॉग रूल अप्लाई करना होगा वो लॉग रूल ये है कि लॉग ए मल्टीप्लाइड बी रूल अप्लाई करके ये हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ए प्लस लॉग बी अब यहाँ पर हमारे पास के ए को लॉग ए ले लें और ये सब कुछ इनको बी ले लें तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा नेगेटिव लॉग के ए और इधर हो जाएगा प्लस साइन और नेगेटिव लॉग एच ए द वीक एसिड डिवाइडेड बाय नेगेटिव लॉग ऑफ द कंजुगेट बेस ओके नेक्स्ट सॉल्व करते हैं पी एच अपनी जगह पे नेगेटिव लॉग के ए बन जाता है पी के ए और यहाँ पे ब्रैकेट जब सॉल्व होगा तो नेगेटिव हो जाएगा और लॉग ऑफ द एच ए वीक कैसे डिवाइडेड बाई दी कॉन्जुकेट बेस आज नेक्स्ट स्टेप में ए को ऊपर ला केंगे नोमिनेटर बनाएंगे एच ए को डी नोमिनेटर कर देंगे और यहाँ पे ये यह जो लॉग का साइन है ये प्लस हो जाएगा सो वी विल गेट पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ द काजुगेट बेस डिवाइडेड बाय एच अच्छा अब जो दिस इज हैंडरसन हैसरबाल की इक्वेशन दैट इज द फाइनल इक्वेशन यूज्ड टू कैलकुलेट पीएच ऑफ ए बफर अच्छा अब यहाँ पे जो हम एसिड में डालेंगे बफर में डालेंगे तो वो एक वीक एसिड होगा और उसका सॉल्ट होगा तो हम इसको यूमिडिफाई कर सकते हैं कि पी इज इक्वल टू पी प्लस लॉग ऑफ सो दिस ए नेगेटिव दैट इज़ का बेस ये हमें सॉल्ट की तरफ से भी आता है यानी जो एसिड का सॉल्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं एंड डिवाइडेड बाय दैट एसिड उसका मोलर कंसनट्रेशन तो ये हैंडरसन हैसरबाल की इक्वेशन हम किसी भी बफर का पी मालूम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अब अगर एक बेसिक बफर है तो यही इक्वेशन हम मोडिफाई कर सकते हैं बेसिक बफर का पीएच मालूम करने के लिए तो उसमें हम ये करेंगे कि पी ओ है इजकल टू अब यहाँ पे हो जाएगा पी के बी बिकॉज वी आर यूजिंग ए वीक बेस और आगे हो जाएगा लॉग ऑफ द सॉल्ट जो बेस का सॉल्ट हमने किस मोलर कंसनट्रेशन में डाला है डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द बेस वी यूज तो अब ये इक्वेशन जो है इसके लिए, इसके लिए इस्तेमाल करेंगे बेसिक बफर के लिए या एक और मेथड हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर पी एच मालूम कर जाएँ तो फिर हम पी एच से पी ओ एच इस इक्वेशन की मदद से मालूम कर सकते हैं पी एच प्लस पी ओ एच इजिकल टू फोरटीन तो पियोच हमने मालूम किया और फिर उससे पीएच हम इस रिएक्शन की इस क्वेश्चन की मदद से हम मालूम कर सकते हैं